स्टूडेंट्स, आवर टूडेज टॉपिक इज कार्निवोर्स। इन लास्ट वीडियो वी स्टार्टेड आवर टॉपिक फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। देर आर फाइव टाइप्स ऑफ फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। फर्स्ट इज हर्बीवोर्स दैट इट ओनली प्लांट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने स्टडी कर लिया था, उसके बाद आते हैं हमारे कार्निवोर्स। कार्निवोर्स देखो, एनिमल्स दैट इट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, की जो किसका ईट करते हैं, फ्लैश ईट करते हैं अदर एनिमल्स का, ठीक है। कार्निवोर्स का मीन्स क्या होता है, मीट टू ईट, यानी जो मीट को ईट करते हैं, दैट एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। मीट ईटिंग या फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। लायंस, लियोपार्ड एंड टाइगर्स आर ए फ्यू एग्जाम्पल ऑफ कार्निवोर्स एनिमल्स। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे लायंस हैं, लियोपार्ड्स हैं, टाइगर्स हैं, सबके सब क्या ईट करते हैं, क्या ईट करते हैं, सारे के सारे फ्लैश, ठीक है। नेक्स्ट, दीज एनिमल्स हैव लॉन्ग शार्प पॉइंटेड टीथ फॉर टीयरिंग फ्लैश। इनके टीथ कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, शार्प पॉइंटेड होते हैं, वो किसके लिए, कि फ्लैश को इजिली टीयर कर सके। टीयर समझ रहे हो ना क्या होता है। अब इसमें देखो, इसमें जो लायन के कैसे टीथ शो किए गए हैं, पॉइंटेड टीथ है ना, बड़े बड़े टीथ शो किए जा रहे हैं, तो कौन से टीथ है ये, पॉइंटेड टीथ। फ्रॉक्स एंड चैमिलॉन्स हैव अ लॉन्ग स्टिकी टंग टू कैच इंसेक्ट्स, कि जो हमारे फ्रॉक्स वगैरह होते हैं या फिर एक दो इंसेक्ट्स और होते हैं जो क्या करते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, फ्लैश को ईट करते हैं, तो किसकी हेल्प से करते हैं, टंग की हेल्प से, ठीक है। उनके पास क्या होते हैं, स्टिकी टंग होती है, कि उनके टंग के साथ इजली स्टिक हो जाता है सारा फूड और इजली क्या कर लेते हैं, उसको ईट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स क्या होते हैं, एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, की जो किसको, प्लांट्स को भी ईट करते हैं और किसको, फ्लैश को भी ईट करते हैं, दैट आर कॉल्ड ओमनीवोर्स। ओमनी मीन्स ऑल, ओमनीस मीन्स ऑल, और वोर्स मीन्स टू ईट, कि क्या किसको ईट करना, हर एक, जो दोनों को ईट करना, ठीक है, हर एक जो मतलब ऑल सब कुछ ईट कर लेते, प्लांट्स भी और एनिमल्स को भी, यानी फ्लैश को भी। एग्जाम्पल देखो, जैसे ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स भी कई कैसे होते हैं, प्लांट्स से मटेरियल, प्लांट मटेरियल को भी ईट करते हैं और एनिमल मटेरियल को भी, जैसे फिश वगैरह, ठीक है। तो बियर्स, बियर का भी पता सबको, हैजहॉग, देखो ये फिगर में शो हो रहा है, ये क्या हैजहॉग है ये, ठीक है। रैट्स, डॉग्स एंड क्रोज आर ए फ्यू एग्जाम्पल ऑफ ओमनीवोर्स एनिमल्स। तो ये सारे आपने पहले भी स्टडी कर रखे हैं सारे के सारे। There are some other groups into which animals can be grouped according to the food they eat. आगे भी हमारे कुछ फर्दर ग्रुप्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हमने एनिमल्स को क्लासीफाई कर रखा है। तो फर्स्ट हमारा स्कैवेंजर्स या फिर फोर्थ, ठीक है, कौन सा हमारा स्कैवेंजर्स। तो देखो, एनिमल्स और बर्ड्स दैट इट दैट फीड मेनली ऑन द रिमेन्स ऑफ डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स, कि जो किस पे ईट करते हैं, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे स्टडी करते हैं। देखो, कई बार क्या हो जाता है, ऑर्गेनिजम्स डाई हो जाते हैं, ठीक है, वो ऐसे ही वो पड़े रहते हैं कहाँ पे, हमारे इन्वायरमेंट में ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा वो कई बार डॉग वगैरह पड़ा रहता है, डेड हो जाता है, तो उसके ऊपर क्या करना स्टार्ट करते हैं, कुछ एनिमल्स फीडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फीडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो दैट आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स, की जो कि हमेशा किस पे ईट करते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे जो ईट करते हैं, ठीक है, जो गले सड़ा मटेरियल्स है, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स की बॉडी है, तो उस पे जो ईट करते हैं, ठीक है। ओनली एनिमल्स की बॉडी पे ईट करते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर्स। दे हेल्प इन क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, हेल्प तो कर रहे हैं क्लीनिंग इन्वायरमेंट को क्लीन करने में, बिकॉज क्या है, जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, बेनिफिशियल नहीं, हार्मफुल है, सारा का सारा जो डेड मटेरियल पड़ा था उसी के ऊपर ईट कर रहे हैं, तो क्या करें, इन्वायरमेंट को क्लीन कर रहे हैं ऑब्वियसली। अदरवाइज द रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स वुड एमिट फाउल स्मेल, अगर वो उसको ईट ना करें तो क्या आना स्टार्ट हो जाती है, वहाँ से फाउल स्मेल यानी गंदी स्मेल आना स्टार्ट होती है, पता है, जैसे डॉग्स वगैरह, कैट वगैरह की डेथ हो जाती है, तो क्या होता है, फिर वहाँ से स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है कई दिन के बाद, अगर उसको एनिमल्स ईट ना करें कोई भी, ठीक है। एग्जाम्पल देखो इसके अंदर, वल्चर्स, वल्चर्स क्या होते हैं, जो गिद्ध होते हैं, ठीक है, क्रोस, फॉक्सेस और हाइनास। ये देखो कि ये हाइनास जो हो रहे हैं इसमें फिगर के अंदर, तो ये क्या करते हैं, किस पे ईट करते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे ईट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अभी हमारा पैरासाइट्स, नेक्स्ट कौन सा है, पैरासाइट्स। पैरासाइट्स देखो,
ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड ऑन लीव ऑन और लीव और ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स, के जो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के या तो ऊपर रहते हैं या फिर बॉडी के अंदर रहते हैं, ठीक है, तो बाहर रहेंगे या बॉडी के अंदर रहेंगे, बट डिपेंड किस पे होंगे, किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पे, ठीक है, किस पे डिपेंड होते हैं, किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी पे डिपेंड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स। देखो जैसे कैसे ये हमारे पैरासाइट्स, और जिसकी बॉडी पे वो डिपेंड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट, क्या बोलते हैं हम उसको, होस्ट, ठीक है, जिसकी बॉडी पे वो क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। तो देखो इसके अंदर यहाँ पे क्या शो की गई, लीच, लीच क्या होती है, जोंक होती है, ठीक है, क्या होती है, लीच, जोंक, जो कहाँ प्रेजेंट होती है, जो पॉन्ड्स वगैरह लेक्स वगैरह होती है उनके अंदर प्रेजेंट होती है, और ये क्या करती है, जो एनिमल्स उसके अंदर जाते हैं उनको क्या कर लेती है, वो उनके ऊपर फीड करना स्टार्ट कर देती है। तो पैरासाइट यूजली हार्म द होस्ट, कि हमेशा किसको हार्म करते हैं, होस्ट को हार्म करते हैं। होस्ट कौन होता है, जिसके ऊपर ये ईट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट, ठीक है। मॉस्किटो, लीजेज, फ्लीज, वॉर्म्स एंड टैपवॉर्म्स आर एग्जांपल ऑफ पैरासाइट्स, सारे मतलब जैसे ये होती है ना लीच, ऐसे ही होते हैं ऑर्गेनिजम्स भी। तो देखो कैसे, जैसे मॉस्किटो है, मॉस्किटो क्या करता है, किसके ऊपर बाइट करता है, मॉस्किटो किसके ऊपर बाइट करता है, ह्यूमन बॉडी के ऊपर, ठीक है, किसके ऊपर बाइट करता है, ह्यूमन बॉडी के ऊपर। तो ह्यूमन क्या, उसके लिए होस्ट, बिकॉज ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, उसको मॉस्किटो का क्या मिल रहा है, ह्यूमन का ब्लड मिल रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, ठीक है। तो ये ह्यूमन की बॉडी उसको किस तरह एक्ट कर रही है, एज अ होस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डिकम्पोजर्स, अब डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स दैट ब्रेक डाउन डेड एंड डिकेइंग मैटर, प्लांट एंड और एनिमल मैटर आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स, के जो क्या करते हैं, किसको ब्रेक डाउन करते हैं, डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल मैटर। देखो ये सेम एज इट इज़ हमारे स्कैवेंजर्स में भी था, बट इसमें क्या थे, सिर्फ ओनली एनिमल्स की बॉडी थी, इसमें क्या होती है, किस किस की होती है, डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, एनिमल मैटर के, प्लांट्स का भी मटेरियल होगा और एनिमल्स का भी मटेरियल होगा, ठीक है। तो एनिमल्स में प्लांट्स में कैसे, जैसे ब्रांचेज वगैरह गिर जाती है या फिर लीव्स वगैरह पड़ी होती है तो उनके ऊपर जो इट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स प्ले अ की रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन, कि डिकम्पोजर्स किस में हेल्प करते हैं, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स की, रिसाइकल करना, रिसाइकल क्या होता है कि जो सोयल के अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स फिनिश हो चुके हैं, ठीक है, उन न्यूट्रिएंट्स को दोबारा से रीगेन करना, दैट इज़ कॉल्ड रिसाइकलिंग, यानी यूज अगेन एंड अगेन, पता है आपको। तो उस मतलब वो न्यूट्रिएंट्स एक बार क्या होता है, प्लांट सारे कंज्यूम कर लेते हैं, तो उसके बाद दोबारा से उन न्यूट्रिएंट्स को उसके अंदर वापस आना, ठीक है, और इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी हेल्प करते हैं। और इसके एग्जांपल क्या है, बैक्टीरिया एंड फंजाई आर द एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजर्स। नेक्स्ट आते हैं हमारी फूड चेन, फूड चेन देखो क्या होती है, फूड चेन शोज, अब फूड चेन शोज हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन ईच अदर, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे पे कैसे डिपेंड होते हैं, ठीक है, वो क्यों, कौन सा करता है आपको, फूड चेन, ठीक है। अब आपको पता है कि हमेशा एक ऑर्गेनिजम्स किस पे डिपेंड होता है, किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होता है, किसके लिए, अपने फूड के लिए। तो वो क्या होती है आपकी फूड चेन, की एक दूसरे पे हम कैसे डिपेंड होते हैं, तो देखो इट टेल्स दैट, इट टेल्स अस हु इट्स होम, कौन किस, इट टेल्स अस दैट हु इट्स होम, कि कौन किसको खाता है, ठीक है, कौन किसको खा रहा है, दैट इज़ फूड चेन। सपोज हमारे पास क्या है, एक प्लांट है, ठीक है, प्लांट को कौन ईट कर रहा है, कोई भी, जैसे आप स्क्विरल है, ठीक है, गिलहरी है, वो किस पे ईट करती है, प्लांट पे ईट करती है, ठीक है, उसको फर्दर कोई और खा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है कि एक स्टेप चलती जा रही है, ठीक है, सपोज उसको खाया फोक्स ने, तो क्या चल रहा है, एक स्टेप चलता जा रहा है, ये इसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड फूड चेन। तो क्या बन रही है, एक चेन बन रही है ना, वो उसको खा रहा है, वो उसको खा रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फूड चेन। तो इसमें फूड चेन में टू स्टेप्स होते हैं, फर्स्ट होते हैं आपके प्रोड्यूसर्स, ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज़ प्रोड्यूसर, और सेकेंड स्टेप होता है कंज्यूमर्स, ठीक है, फर्स्ट इज़ प्रोड्यूसर एंड सेकेंड इज़ कंज्यूमर्स। तो देखो क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स दैट कैन मेक देयर ओन फूड, देखो प्लांट्स मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, की जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स। और फूड खुद, फूड कौन प्रिपेयर करता है, प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं, दैट आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स।
उसके बाद क्या हमारे कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स क्या होते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स फॉर देयर फूड, कि प्लांट्स पे डिपेंड हो या फिर एनिमल्स पे डिपेंड हो, बट यहाँ पे हम क्या लेके चलेंगे कि ये किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे ही डिपेंड है। तो सबसे पहले फूड चेन में कौन सा स्टेप आएगा, प्रोड्यूसर आएगा यानी प्लांट्स आएंगे, और प्लांट्स को जो ईट करेंगे वो कौन होंगे, कंज्यूमर, ठीक है। हमेशा प्रोड्यूसर्स को कौन ईट करते हैं, कंज्यूमर्स। तो देखो इसके अंदर एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कंज्यूमर्स। देखो भाई हमारे कंज्यूमर्स फर्दर हमने थ्री पार्ट्स में डिवाइड किए, फर्स्ट अब प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंड सेकेंडरी कंज्यूमर एंड थर्ड इज टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी कंज्यूमर्स। ओके, तो फर्स्ट देखो प्राइमरी कंज्यूमर्स, हर्बीवोर्स सच एज रैबिट एंड ग्रास होपर्स इट प्लांट्स आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स। कि जो किस को ईट करते हैं, डायरेक्टली प्लांट्स को ईट करते हैं उसको हम क्या बोल लेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स, और जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को ईट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को ईट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, टर्शरी कंज्यूमर्स, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी कंज्यूमर्स। देखो सबसे पहले सपोज हमारे पास सबसे पहले क्या है, प्लांट्स, ठीक है, देखो यहाँ पे भी शो किया गया सबसे पहले क्या है, प्लांट, ठीक है, तो प्लांट को हम क्या बोल लेंगे, प्रोड्यूसर, क्या बोल लेंगे, प्लांट को हम प्रोड्यूसर्स, बिकॉज प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रोड्यूसर, ठीक है। अब प्लांट को कौन ईट कर रहे हैं, सपोज यहाँ पे कौन ईट कर रहा है, ग्रास ऊपर, ठीक है, ग्रास ऊपर कौन होता है, जो किस पे ईट करता है, ग्रास पे, ठीक है, या ग्रास भी तो क्या है, प्लांट ही है, तो ग्रास ऊपर क्या बन गया यहाँ पे, प्राइमरी कंज्यूमर, क्या बन गया, प्राइमरी कंज्यूमर, बिकॉज इसने कि इस किस को ईट किया, डायरेक्ट प्लांट को ईट किया, तो इसलिए हमने इसको क्या बोला, प्राइमरी कंज्यूमर। अब ग्रास ऊपर को फर्दर सपोज किसने ईट किया, स्नैक ने ईट किया, ठीक है, ग्रास ऊपर को किसने ईट किया, स्नैक ने, तो ये कौन सा कंज्यूमर बन गया, इसने किसको ईट किया, प्राइमरी कंज्यूमर को ईट किया, तो कौन सा कंज्यूमर बन गया हमारा, सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। अब सेकेंडरी कंज्यूमर को जो ईट करेगा दैट इज कॉल्ड टर्शरी कंज्यूमर। सपोज स्नैक को किसने ईट किया, आउल ने ईट किया, तो कौन सा कंज्यूमर बन गया हमारा, टर्शरी कंज्यूमर। तो देखो यहाँ से कि सबसे पहले जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं जैसे कि प्लांट्स, तो उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स, और जो प्रोड्यूसर को ईट करेगा उसको हम बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को ईट करेगा दैट इज सेकेंडरी कंज्यूमर, एंड दैट इट सेकेंडरी कंज्यूमर इज कॉल्ड टर्शरी कंज्यूमर। ओके, क्लियर है। अब देखो फूड ये क्या बन गया, एक चेन बन गया, तो दैट इज कॉल्ड फूड चेन। कि हमें क्या शो कर रही है कि हु इट्स होम, कि किसने किसको खाया, ठीक है, जैसे प्लांट को किसने, ग्रास ऊपर ने खाया, ग्रास ऊपर को स्नैक ने ईट किया, स्नैक ने किसको ईट किया, आउल ने ईट किया, ठीक है। तो ये थ्री स्टेप्स होते हैं हमारे फूड चेन के, प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर्स। उसके बाद हमारा एक आती है फूड वेब, ठीक है, लास्ट टॉपिक हमारा इसका, ये क्या है, फूड वेब। फूड वेब देखो इन एन इन्वायरमेंट में यानी फूड चेन्स को एग्जिस्ट की, एक इन्वायरमेंट में बहुत सारी फूड चेन एग्जिस्ट करती हैं, को एग्जिस्ट करती हैं, एक साथ रहती है। तो देखो कैसे, एन ऑर्गेनिज्म कैन बी अ पार्ट ऑफ मोर देन वन फूड चेन, कि एक ही ऑर्गेनिज्म बहुत सारी फूड चेन का पार्ट हो सकता है। सपोज यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी कंप्लीट स्टडी करेंगे अब हम इसको। देखो द नेट दिस नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब। यहाँ से डेफिनेशन बनती है फूड वेब की, इंटरकनेक्टिंग फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब। तो देखो इसके अंदर क्या आ रहा है, सबसे पहले क्या है, प्लांट है। यहाँ पे फूड चेन किससे स्टार्ट होती है, हमेशा प्लांट से ही, बिकॉज दिस इज प्रोड्यूसर। अब प्लांट्स को किसने ईट किया, स्क्विरल ने, स्क्विरल को किसने, फॉक्स ने, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या था, प्लांट, प्लांट को स्क्विरल ने, स्क्विरल को किसने ईट किया, फॉक्स ने, ठीक है, एक फूड चेन कंप्लीट। सेकंड अब ऑप्शन क्या है, कि प्लांट को जरूरी तो नहीं हर बार स्क्विरल ईट करेगी, यहाँ पे किसने ईट कर लिया इसको, किसी भी अर्थवर्म ने, ठीक है, अर्थवर्म तो नहीं है ये, हमारे एक इंसेक्ट ही है, ठीक है, सपोज किसी इंसेक्ट ने ईट कर लिया, ठीक है। अब इसको फर्दर किसने ईट कर लिया, फ्रॉग ने ईट कर लिया, ठीक है। या फिर थर्ड केस क्या बन सकता है, कि किसने बटरफ्लाई ने ईट किया, बटरफ्लाई को किसने ईट कर लिया, फ्रॉग ने, ठीक है। तीन फूड चेन बन गई हमारे यहाँ। अब क्या है कि एक सिचुएशन क्या बने, कि इसको जो प्लांट है, प्लांट को स्क्विरल ने ईट किया, स्क्विरल को स्नैक ने, स्नैक को ईगल ने, तो कितनी सिचुएशन बन गया अब हमारे यहाँ, कितने फूड चेन बन गई है। एक तो ये फूड चेन बनी हमारे यहाँ से यहाँ तक,
ठीक है। सेकंड बनी हमारी ये, ठीक है। थर्ड सिचुएशन बनी हमारी ये, और फोर्थ सिचुएशन बनी हमारी ये। तो कितने फूड चेन बन गया, फोर फूड चेन बन गए। तो हमने क्या बोला था, फूड वेब क्या होती है, इंटरकनेक्शन ऑफ मैनी फूड चेन्स, की जहाँ पे बहुत सारे इंटर फूड चेन्स आपस में क्या हो जाए, इंटरकनेक्ट हो जाए, यानी एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फूड वेब। अब देखो इसमें क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है जैसे सपोज स्क्विरल है, तो ये कितनी सारी फूड चेन का पार्ट बन रही है। इसको डायरेक्ट आगे फॉक्स बीट कर सकते हैं तो ये फूड चेन बन जाएगी, इसको आगे ये ईट कर सकते हैं तो ये फूड चेन बन जाएगी, इसको आगे ये ईट कर सकता है, तो क्या बहुत सारी फूड चेन्स बन रही है ना, तो दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको हम, फूड वेब। ओके।